हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम रेक करने वाले हैं, वीडियो है कश्मीरी लड़की सोनम महाजान ने पाक पत्रकार कमर चीमा को दिखाया आईना। सो ये वीडियो देख लेते हैं। और कमर चीमा को जो है वो हर कोई ही आईना दिखा रहा होता है, और आई डोंट नो कि वो ऐसा क्यों उनको उनके साथ होता है। उनका शायद बैड लक चल रहा है, सितारा गर्दिश कर रहा है। एनीवेज देखते हैं वीडियो को और जानते हैं कि क्या बातें हो रही हैं। तो उसके लिए यही कहूँगी कि मेरे साथ रहें, पूरी वीडियो देखें, और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। और आपको मैं फिर करेक्ट कर दूं, आपका बार बार वो जो राग है वो कश्मीर पे ही आप अलापते हैं। आपका एक ही रिश्ता कश्मीरियों से, वो ला इल्ला इल्लल्लाह का है, और कोई आपका उनके साथ रिश्ता नहीं है। ठीक है, यू गाइज आर एनी वे सीजन लायर्स। आपने आज तक ये नहीं माना कि साहब आपका स्माइल लेने वाली है। दोस्तों, आज जो हम डिबेट देखने वाले हैं वो पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा और कश्मीर के रहने वाली सोनम महाजन का है। जब कमर चीमा ने सोनम महाजन से फिलिस्तीन का नाम लेकर कश्मीर को टारगेट करते हुए सवाल पूछा कि इंडिया इजराइल को इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि यदि इंडिया ने फिलिस्तीन को सपोर्ट किया तो कश्मीर मुद्दे पर भी इसका असर होगा। तो दोस्तों, जब कमर चीमा ने मुसलमानों का मसीहा बनते हुए यह सवाल सोनम महाजन से किया तो सोनम महाजन ने इसके बहुत ही खूबसूरत और अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं, जिससे कमर चीमा की बोलती बंद हो गई। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। डिबेट काफी शानदार और लाजवाब है, इसलिए अंत तक जरूर देखना। और डिबेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम। आप इसराइल ये फलस्तीन के मसले में इसराइल की सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास भी एक आउटस्टैंडिंग ये कश्मीर डिस्प्यूट होने की वजह से आप समझते हैं कि अगर हमने फलस्तीन की सपोर्ट की तो शायद हमारा जो कश्मीर का मुकदमा है वो भी कमजोर होगा, और हमें मानना पड़ेगा कि जिस तरह फलस्तीन के ऊपर इसराइल मुजालम ढा रहा है हम भी ढा रहे हैं। सो इज इट लाइक दिस इज वन ऑफ द रीजंस इंडिया जो है वो इसराइल की सपोर्ट कर रहा है? ये अपने जो एक जो बोगी ऑफ वायलेंस है इसको छुपाने और बचाने के लिए, डू यू रियली मीन दिस? वाओ, आई एम अमेज्ड एट योर एनालिसिस। आई डोंट नो वेयर डिड यू गेट दैट फ्रॉम, बिकॉज इट्स एक्चुअली वाइस वर्सा। अगर आप इंडियन गवर्नमेंट का मौकफ देखें तो उन्होंने हमेशा कहा है कि वी सपोर्ट द जस्ट कॉज ऑफ द पैलेस्टीनियंस, बट एट द सेम टाइम वी डोंट रिकॉग्नाइज एंड वी वोंट सपोर्ट हमास। इन फैक्ट यू नो, आप एज अ पाकिस्तानी आप अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हैं, बट फैक्ट्स एंड स्टेटिस्टिक्स डोंट लाई। एंड लेट मी टेल यू, ओके, लेट्स स्पीक, the two of us speak as you being a Pakistani and I being a state subject of Jammu and Kashmir. ठीक है, आप एक मिनट के लिए इंडिया को साइड रख दें। हमारी जो जमीन पे हमला हुआ था वो पाकिस्तानियों ने किया था, वो इंडिया ने नहीं किया था। इंडिया से हमने मदद मांगी थी। हो सकता है कि वो हमला नहीं होता तो आज भी हम इंडिपेंडेंट ही होते, बट वो हो सकता है, जो हो गया है वो हो गया है। तो अगर कोई ऑक्यूपेशनल फोर्स है तो वो पाकिस्तानी फोर्स है, वो इंडियन फोर्स नहीं है। इंडियन फोर्स से हमने मदद मांगी थी। इनफैक्ट मैं जिस टाउन से आती हूँ, रजौरी जिले से मेरा ताल्लुक है, वो भी पाकिस्तानी फोर्स की ऑक्यूपेशन में था। वहां पे 30,000 जो हिंदू और सिख थे, कुछ जो मीरपुर से आए हुए थे, उनको कंप्लीटली एनहाइलेट कर दिया गया था। तो हमने तो भारत से मदद मांगी थी उल्टा, कि आप आके हमें बचाएं। तो पहले तो आप अपने आप को हिस्टोरिकली करेक्ट करें, क्योंकि ये एक फैक्ट है, इसको आप झुटला नहीं सकते। मुझे हमें इस चीज का अंदाजा है कि इंडिया को बुरा लगता है कि कोई भी मुल्क कश्मीर की मदद करे, तो जारी बात है आप जब टर्की के बारे में बात कर रहे हैं तो बेसिकली आप वो कश्मीर को माइंड में रख के बात कर रहे हैं कि वो कश्मीर की मदद। नहीं, नहीं, हम टर्की की ओवरऑल एक रेप्यूटेशन को कंसिडरेशन में रख के बात कर रहे हैं, बिकॉज इट्स एन अग्रेसर, इट इज फेसिंग सो मेनी सैंक्शंस। और आपको मैं फिर करेक्ट कर दूं, आपका बार बार वो जो राग है वो कश्मीर पे ही आप अलापते हैं। आपका एक ही रिश्ता है कश्मीरियों से, वो ला इल्ला इल्लल्लाह का है, और कोई आपका उनके साथ रिश्ता नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना मैडम कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं पे
कोई एक कम्युनिटी के साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस हो रहा है, उनको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से दबाया जा रहा है और उनसे हकूक छीने जा रहे हैं, मेरा ख्याल ये है वो कोई भी हो, फॉरगेट कोई भी हो, मेरा ख्याल उस पर बात करनी चाहिए। एंड यू आर एन एक्टिविस्ट एंड आई होप कि आप कभी ना कभी बलोचिस्तान से बात करनी चाहिए, बिकॉज़ दिस होल सिनेरियो फिट्स द बेस्ट टू बलोचिस्तान, बट अनफॉर्चुनेटली यू गाइस आर सो बायस्ड, यू वुडंट वांट टू टॉक अबाउट रीजन जहां पे एक्चुअली ये होता है। आप मुझे एक चीज एक्सप्लेन कर दें कि कश्मीर में एक मिनट आप मुझे बताएं कश्मीर में कौन सी ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस हो रही है, आप ये मुझे एक्सप्लेन कर दें। मेरी मेरी पहली बात तो सुन लें, देखिए बलोचिस्तान की बात भी कर लें, सिंध की कर लें, पंजाब की कर लें, केपी की कर लें, जिसकी मर्जी कर लें, नो प्रॉब्लम। देखें बात होनी चाहिए, अगर कहीं पे ज्यादती कुछ हो रहा है तो वो होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैडम ये है जो समझने की है कि बलोचिस्तान हो या केपी हो, क्या ये कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी है? बलोच तो कहते हैं ना, अग्रीव पार्टी वो तो कहते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग टू द पाकिस्तानी स्टेट बिकॉज़ You guys are anyway seasoned liars. आपने आज तक ये नहीं माना कि कसाब आपका है, सुने सोशल मीडिया ने उनके माँ बाप दिखा दिए, पर आपने आज तक नहीं माना। मैडम आपकी बात करने की खूबसूरती ये है, मैडम आपकी बात करने की खूबसूरती ये है कि आप एक पॉइंट अभी करेंगी तो तीसरी लाइन में एक बिल्कुल नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। मैं अभी पिछले पे खड़ा होता हूँ, यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस, कश्मीर को आप इजराइल के मसले से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अनलेस यू रियली एक्सेप्ट दैट यू वर द ऑक्यूपेशनल फोर्स देयर, इट वाज पाकिस्तान विच अटैक्ड जेएनके। आप मुझे बताएं ना, क्या इंडिया पहले आया था वहां पे या पाकिस्तान आया था? आप मुझे बस इतना बता दें। मैं देखें द पॉइंट इज कश्मीर में पहले लगा था या कश्मीरी पंडित का एक्सोडस पहले हुआ था? हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं ये, आप और मैं इस पर डिस्प्यूट कर सकते हैं, आप कुछ और कह सकती हैं, मैं कुछ और कह सकती हूँ। आप यू कांट ऑलवेज प्ले द इंटरव्यूअर, यू नो यू कांट ऑलवेज प्ले दैट। आप और मैं हिस्टोरिकल जवाब दे दे टू मूव फॉरवर्ड, कश्मीरी पंडितों को पहले निकाला गया था या कश्मीर में एफ्सपा पहले लगा था, इन दोनों में से आप बता दे पहले क्या हुआ था। मैं समझता हूं कि ये आपने किसी कॉन्फ्लिक्ट को आज बीच में पकड़ के बात कर रही हैं। आप किसी भी चीज की देखना, अगर अगर तो कश्मीर की आज कर रहे हैं, ये एक्चुअली जब आप 4000 रॉकेट फेंकेंगे वो एक शुरली हो जाती है, वो छोटे छोटे रॉकेट हो जाते हैं, 5000 लोगों का आप इतनी क्लेंजिंग करने की कोशिश करेंगे, उनको अपरूट कर देंगे उनकी रूट से, तो ये बीच में कॉन्फ्लिक्ट का छोटा सा हिस्सा हो जाता है। एक्चुअली समझना चाहिए, अगर दुनिया भर में आज इतना इस्लामोफोबिया है ना, तो फिर आपको समझना चाहिए कि इट इज ऑल रूटेड इन योर डिनायल, एंड टिल द टाइम यू एक्सेप्ट योर फॉल्ट लाइंस इट विल नॉट बी एड्रेस्ड। यू कैन नॉट हाइड बिहाइंड इस्लामोफोबिया एनीमोर। अब ना तो ट्रंप है अमेरिका में, मैडम एक पॉइंट, जब कोरोना शुरू हुआ था, सुनिएगा, जब कोविड शुरू हुआ था तो इंडिया में चंद वो जो तबलीगी जमात के लोग थे उनकी वजह से कोरोना फैला, तो आपने कह दिया जनाब कि ये कोरोना जिहाद हो रहा है, और ये कुंभ मेले के बाद पूरा इंडिया जो है वो रोजाना 4000 लाशें गिर रही हैं, लेकिन इंडिया में किसी ने नहीं कहा ये हिंदू कोरोना है। ये देखिए आप डबल मैडम सुन तो लें मेरी बात। योर क्वेश्चंस आर वेरी डिसऑनेस्ट, मैं आपकी कैसे बात सुन लूं? योर क्वेश्चंस आर वेरी डिसऑनेस्ट। आप पहले तो वेन्यू से आपने कहा, व्हाट डू यू मीन बाय आप? मैंने तो नहीं कहा, कुंभ मेला हुआ, मैंने सबसे ज्यादा उसको क्रिटिसाइज किया, आई गॉट अ लॉट ऑफ हेट फॉर इट, बट द ट्रूथ इज ट्रूथ, इट शुडंट हैव बीन अरेंज्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम। सुनिएगा सुनिएगा, एक छोटी सी गुजारिश है मैडम मेरी, मुझे ये बताएं कि अगर चंद उलमा अगर इकट्ठे हो गए और उनकी जगह कोरोना फैला, गलत हुआ, वो भी नहीं होना चाहिए था, मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन क्या भारत के अंदर कोरोना जिहाद जैसी नेमिंग एंड शेमिंग मुसलमानों की गई ना, लेकिन कुंभ मेला में जो हुआ वहां पे अगर हिंदू थे या कोई भी स्कूल ऑफ थॉट था, किसी ने कुछ कहा वहां पे? मैडम नहीं कहा, क्योंकि आप एक मेजोरिटेरियन, सुन लेना, आप इंडिया में रहते हैं, आप क्या इंडिया में रहते हैं? आपको पता है कितना टारगेट किया गया कुंभ को दुनिया भर में, कुंभ में जो पिलग्रिम्स गए उनको सुपर स्प्रेडर्स बुलाया जा रहा है,
आप कह रहे क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, आपकी आंखें बंद है तो हम क्या कर सकते हैं सुने, उसमें। मेरा पॉइंट मैडम आपने लिया नहीं, मेरा पॉइंट ये है एक और छोटी सी चीज बिफोर आई फॉरगेट इट, मेरा पॉइंट तो सुन लेना मैडम, तबलीगी जमात को सिर्फ इंडिया ने नहीं कहा था, पाकिस्तान ने भी कहा था, मलेशिया ने भी कहा था दैट बिकॉज ऑफ दीज पीपल कोविड हैज कम हियर। आप प्लीज उठ के थोड़ा सा पीछे जाए, आर्टिकल्स निकाल के पढ़ लें। हाँ, थोड़ा पीछे जाएं, आर्टिकल्स निकाल कर पढ़ लें। गाइज, ये वीडियो है जिसमें कश्मीरी लड़की जो है वो बेसिकली बात कर रही है कमर चीमा से, बेसिकली उनके शो पर आई हैं। और आप लोग जानते ही हैं कि जो कश्मीर के अभी बेसिकली इसराइल का जो फिलिस्तीन का इशू चल रहा है उसमें सपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इश्यूज हाईलाइट हो रहे हैं, जिसमें यह कि भारत ने एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं हम फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, मतलब कि उनके राइट्स पर हैं, लेकिन हमास के साथ नहीं है हम, तो उनको एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन आई थिंक कि ये जो कमर चीमा जो है वो इसी टॉपिक को लेकर इन्होंने इस बात को डिस्कस किया है इनके साथ कि अच्छा इसराइल को क्यों नहीं भारत जो है वो सपोर्ट कर रहा, क्योंकि भारत का तो बहुत अच्छा रिलेशन भी है इसराइल के साथ। तो इसमें वो ये उनका कमर चीमा ने ये पॉइंट रखा है और क्वेश्चन रखा है कि भाई भारत से जब रिलेशन इतना इसराइल का इतना अच्छा है, फिर सपोर्ट करने का मतलब ना करने का मतलब क्या बनता है? शायद ईस्टर से नहीं कर रहे कि फिर हम पे भी बात आ जाएगी कश्मीर की। तो इसमें इन्होंने बहुत करारे जवाब दिए हैं, वैसे कमर चीमा को तो वाकई में ही उनको जवाब ही नहीं मिल, समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह से बात करूँ, वो फंस चुके थे। तो ओवरऑल वीडियो मज़े की लगी, क्योंकि इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये थे कि इन्होंने पंडित जो कश्मीरी पंडित थे उनके पर बात की, तो बिल्कुल कश्मीरी पंडित जो हैं उनके साथ बुरा हुआ, उन लोगों के साथ उन लोगों को उनकी जगहों से निकाल दिया गया। बल्कि हमने उन वीडियो पर भी रिएक्शन किया था, अगर आपने देखा हो तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि जिस तरह से वो डिसहार्ट होकर बता रही थी ना, तो वो चीज़ हम फील कर सकते हैं। बट उस वक्त जो सिचुएशन गुजरी है वो जस्ट हम इमेजिन ही कर सकते हैं, जिन पर बीती है वही जाने। लेकिन एक बात मैं ये कहूँगी कि ओवरऑल जो भी चीज़ें अब तक हुई हैं कश्मीरियों के साथ, और फिर अगर हम ये कहें कि मतलब पाकिस्तान ने ऐसा किया या भारत ने ऐसा किया, तो एज सच ये उस एक्सट्रीमली लेवल पर नहीं है कि हम बोलें कि जो इसराइल में इसराइल कर रहा है फिलिस्तीन के साथ तो क्या अब भारत भी वैसा ही सेम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, भारत में एक्चुअली सारी चीज़ें हो रही होंगी, अच्छा भी हो रहा होगा, बुरा भी हो रहा होगा, लेकिन हम बहुत सारे स्टेटमेंट भी देखते हैं कि वहाँ पर अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। हमें हमेशा नेगेटिविटी दिखाई जाती है कि वहाँ पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब हर चीज़ के ना दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है। अक्सर लोग व्यूज़ हासिल करने के लिए बुरे पहलू को दिखाते हैं, लेकिन कभी अच्छे पहलू को नहीं दिखाते। तो यही सारी चीज़ें हैं कि अच्छा पहलू जो है ना वो नहीं दिखा रहा, लोग वहाँ के जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स देते हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी इन मतलब कि जो कश्मीरी हैं वो लोग, और जो बाकी बुरा दिखाया जाता है या फिर वो पुरानी क्लिप्स भी होती हैं जिसको ये लोग बहुत ज़्यादा, अब तो देखें ना 4G वगैरह भी वहाँ पर आ चुका है, तो इस चीज़ को तो अभी रेस करना और सिमिलैरिटी और इसके साथ मर्ज कर देना इसराइल और फिलिस्तीन वाले इशू के साथ, तो आई थिंक ये सही कोई टॉपिक नहीं है। बाकी ओवरऑल कमर चीमा जो है ना वो जो क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे थे और आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वो आंसर उनको नहीं मिला एक्चुअली, और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा ही सोचने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल यही कहूँगी कि वीडियो अच्छी लगी, आई होप कि आपको भी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।